नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद हैं एक युवा मूर्तिकार महावीर भारती। आज उनसे बातचीत करने के लिए हम उनके स्टूडियो पहुंचे हैं कि किस तरीके से वो मूर्तियों का निर्माण कर रहे हैं और देश के साथ साथ विदेशों में अपनी ख्याति पहुंचा रहे हैं। महावीर जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपके इस मूर्ति परिवार जो आपने तैयार किया उसके बैकग्राउंड की। सभी को नमस्कार। ये मेरी जो यात्रा है 2001 से शुरू हुई है। उससे पहले मैंने राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट से पास आउट किया है। 2001 से अपने ताऊ देवीलाल की मूर्तियां बनाने से मेरा करियर शुरू हुआ। हरियाणा में लगभग उनके 18 जिलों में हमारी प्रतिमाएं लगी। वर्तमान में मैं मेटल, मार्बल और फाइबर ग्लास की मूर्तियों का कार्य कर रहा हूं और हमने कई बड़ी पेंटिंग भी बनाई है। बहुत बड़ी रंगोली का भी रिकॉर्ड हमारा नाम, तो काफ़ी काम करने का अवसर मिला है। ये क्या कुछ लोग होते हैं कि पुरुषतनी या पारिवारिक यही काम से जुड़े हुए हैं या आपने केवल रुचिवश आप इस काम में हैं? मेरे पिताजी तो टीचर थे, मैं इसमें रुचिवश ही आया, या आप ये मानिए कि किस्मत की वजह से। हालांकि इच्छा तो थी कि पिताजी तरह मैं टीचर बनूं, लेकिन गवर्नमेंट ने वैकेंसी नहीं निकाली, तो इसलिए फिर जीवन ने एक नया मोड़ लिया और इसी विधा में, जिस विधा में हमने कोर्स किया था, उसमें फिर अपना करियर बनाना शुरू किया अपने दम पे। गवर्नमेंट ने टीचर की वैकेंसी तो नहीं निकाली, लेकिन मूर्तियों की वैकेंसी आपके लिए निकाल दी? हाँ, मूर्तियों वैकेंसी तो मतलब जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे अप्रोच करते हैं, पता करते हैं कौन सा डिपार्टमेंट कार्य कर रहा है क्षेत्र में या करवाना चाह रहा है या किन दिवंगत महापुरुषों की प्रतिमा लगने वाली है, तो हम इसके बारे में सर्च करके फिर इसमें लगते हैं। सरकारी डिपार्टमेंट है, पेमेंट की भी समस्या आती होगी फिर तो? हाँ, ये इन चीज़ों से दो चार हमें होना ही पड़ता है, क्योंकि बहुत बड़ी कोई फैमिली बैकग्राउंड है नहीं, अपना स्ट्रगल करके सब कुछ प्राप्त किया है, तो इन चीज़ों से काफ़ी परेशानी होती है। ये बातचीत तो अनवरत जारी रहेगी। अब तक किन किन महापुरुषों की या लोगों की मूर्तियाँ बना चुके हैं? मेरे को कई महापुरुषों, भगवान और कई राजनेताओं की प्रतिमा बनाने का अवसर मिला है, जिसमें अगर मैं मेरे क्षेत्र से शुरुआत करूँ तो वहाँ पर गोगा जी की प्रतिमा बनाई, उस एरिया में इंदिरा गांधी की प्रतिमा बनाई, महाराजा सूरजमल और अपने रामदेव जी है, राव शेखा जी है और राव जेता जी है, महाराणा प्रताप और विवेकानंद जी, काफ़ी प्रतिमाएं बनाने का। वर्तमान में जैसे भी मेजर दलपत सिंह जी है, मेजर ध्यानचंद है, शिवाजी है, काफ़ी प्रतिमाएं, लगभग 200 प्रतिमाएं बनाने का अवसर मिला है इस क्षेत्र में कार्य करते हुए। उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की जो उनके पैतृक गांव में जो मूर्ति लगी वो भी आपने? जी जी, राजनीतिक तौर पे राजनेताओं में जैसे मेरे को उपराष्ट्रपति भैरव सिंह जी की प्रतिमाएं हैं, इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी, और बलिया में जो अपने चंद्रशेखर जी थे उनके क्षेत्र में भी अपन ने काफ़ी काम किया और भी काम मिलता रहता है तो करते रहते हैं। देखिए, एम्स में जो मीराबाई की जो मूर्ति लगी है वो क्या है उसकी खासियत? एम्स जोधपुर के गेट नंबर 4 पे मीरा जी की प्रतिमा वहाँ पे लगी हुई है। पहले उसको तिराए पे लगाने का था, लेकिन अभी उसको चार नंबर गेट पे लगाया है। वो वीणा बजाते हुए मीरा जी है ध्यानमगन कृष्ण जी के भक्ति में, वो मीरा एम्स के नाम, इसलिए वहाँ पे जोधपुर JDA की तरफ से ये प्रतिमा लगाई गई। 8 फीट लंबी है और 1 टन उसका वजन है लगभग। फिर इतनी भारी मूर्ति को यहाँ से आप स्टूडियो से वहाँ कैसे शिफ्ट करते हैं? ये हम इसको क्रेन से उठाते हैं और फिर वहाँ ले जाके, जैसे ट्रक या जो भी गाड़ी उनके द्वारा, फिर वहाँ ले जाके असेंबल करते हैं। वहाँ पे भी थोड़ा शिवल वर्क जब प्रतिमा लगाते हैं उसमें भी होता है, तो ये हमारे डायरेक्शन में सारा काम होता है। काफ़ी थकाने वाला और मेहनती काम तो है। भारती जी, ये बातें तो हो गई मूर्ति कला से क्षेत्र में, इसके अलावा भी बहुत से क्षेत्रों में आप काम कर रहे हैं। जयपुर राजस्थान में पहली बार हमको 3D पेंटिंग देखने को मिली जो आपने बनाई, और किन किन क्षेत्रों में? जी, राजस्थान में पहली बार 3D पेंटिंग बनी थी, जेलन मार्ग पे IT डिपार्टमेंट का हैकथॉन हुआ था, तो जिसमें हमें JKK से लेके और महात्मा गांधी सर्किल तक 3D पेंटिंग बनाना था, जो राजस्थान में पहली बार प्रयोग हुआ था। उसको जनता ने काफ़ी अप्रिशिएट किया था और अपने आप में एक नया प्रयोग था। और उससे पहले हमने राजस्थान में सबसे बड़ी रंगोली बनी थी, जो वैशाली में RSS की तरफ से पथ संचलन हुआ था, उसमें हमारे 74 आर्टिस्ट ने इसमें भाग लिया और सबसे बड़ी रंगोली बनाने का भी हमें सौभाग्य मिला। और हिंदुस्तान लिविंग लिमिटेड के लिए भी मैंने मेरे गुरुजी के साथ में मोजाइक टाइलों का एक म्यूरल बनाया था, तो दिल्ली के, सॉरी, उनके मुंबई के हेड ऑफिस में वो लगा हुआ है। ये तो बातचीत हो गई। एक सबसे अच्छी जो बातचीत अभी निकल के आ रही है कि पुलवामा हमले जो शहीद हुए, उन शहीदों को भी श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ कर रहे हैं। जी जी, एक मूर्तिकार के होने पे के नाते और एक अपने नागरिक होने के नाते मेरा भी कुछ फर्ज है कि समाज से हम लेते लेते हमें जब देने का वक्त आता है हम इसमें पीछे ना हटें। तो जिन्होंने अपनी जान दी है, तो एक कलाकार के तौर पे मैं सदा स्वरूप अपने जयपुर क्षेत्र के रोहतास जी लांबा थे, तो उनके परिवार से भी मिला,
और काफ़ी दुख मन भी था उसमें। तो एक कलाकार की श्रद्धा के तौर पे मेरे को लगा कि मेरे को कुछ करना चाहिए, तो मैंने उनको चला के बोला कि मैं इनकी प्रतिमा निःशुल्क मेरी तरफ से बना के दूंगा और उस पर अभी वर्तमान में काम हो रहा है। किन किन क्षेत्रों में आप मूर्ति बनाते हैं, जैसे मार्बल की है, POP की है? इसमें हम मेटल में बनाते हैं, जो अष्ट धातु बोलते हैं, मार्बल में बनाते हैं, फाइबर ग्लास में हैं, जैसे अपने जयपुर में अपने GT के पास में पिको गार्डन है, उसमें जो अपने मोर बने हुए हैं वो अपने बनाए हुए फाइबर ग्लास में बने हुए हैं। मार्बल में तो मोस्टली भगवान की प्रतिमाएँ बनती है और कुछ राजनेताओं की है या कोई अपने पूर्वजों की बनाना चाहे तो मार्बल में बनती है, और जो टिकाऊ हो या बहुत बड़ी प्रतिमाएँ हैं तो मोस्टली वो अष्ट धातु में या गन मेटल में ही बनती है। ये थे महावीर भारती, जो मूर्तिकार के नाम से देश भर में विख्यात भी हैं। उनके आज स्टूडियो का हमने दौरा किया और यहाँ जो मूर्तियाँ वो बना रहे हैं उनके बारे में भी जाना, और सबसे अच्छी बात कि उन पुलवामा शहीदों के परिवार को श्रद्धांजलि स्वरूप ये उनकी मूर्तियाँ बनाकर अपनी ओर से भेंट कर रहे हैं। नमस्कार।